आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं रवि तिवारी आपकी रीजनिंग और करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में, कैसे हैं आप लोग? आपको मालूम है कि 45 दिन का एक मिरेकल क्रैश कोर्स टारगेट तालुक संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसी क्रम में हम लोग लगातार आपसे रूबरू हो रहे हैं और उसी रूबरू होने के क्रम में आज फिर मैं एक क्लास के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हूं। इससे पहले हम लोगों ने पांसे की दो क्लासेज की थी और दो क्लासेज के बाद आज पांसे की आखिरी क्लास करने चल रहा हूं। आज टोटल मैं आपको ऐसे प्रश्न पढ़ाने चल रहा हूं जो केवल आईएसओ पीसीएस और लोअर पीसीएस में ही पूछे जाते हैं, जो थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं, लैंग्वेज के रूप में होते हैं, जो पांसे के प्रकार प्रसार से होते हैं, रिक्त स्थान से होते हैं और अलग अलग तरह के खुले पांसे और बंद पांसे से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के जो 10 से 15 प्रश्न हैं जिनकी रूपरेखा मैं आपके समक्ष तैयार करने चल रहा हूं, वो निश्चित रूप से परीक्षाओं का हिस्सा रह गए हैं। इस 45 दिन के कोर्स के बारे में सूचनाएं डिस्प्ले होती रहती हैं, एडमिशन की प्रक्रिया जल्द ही आपसे शेयर की जाएगी एक दो दिन में, और जो है बताया जाएगा कि कैसे आप पूर्ण रूप से इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। लगातार हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, इसी क्रम में आज भी मैं हूं और मेरे साथ भी और लोगों की क्लास है जो बारी बारी से आपको मिलती रहेगी। आइए इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं आज। और पहले हम लोग कहते हैं इस प्रक्रिया की शुरुआत में जो पहला विषय आज हम लोग ले रहे हैं वो है पांसे का प्रसार। अगर हम एक बार इस पांसे को खोल लें तो इस पांसे के प्रसार से हम पांसे के प्रत्येक तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए ये एक पांसे की 6 सतह होती है, कुछ बुनियादी बातों को समझ लीजिए, और एक पांसे की आकृति ऐसे होती है। इस आकृति को हल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं कहूं कि एक पांसे की आपकी ध्यान सुनिए, अगर मैं कहूं एक पांसे की आपकी 6 सतह होती है और इस 6 सतह में से अगर हम एक सतह की बात करें, इस 6 सतह में से अगर हम एक सतह की बात करें तो प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है, 4 पड़ोसी सतह होती है और एक विपरीत सतह होती है। 4 पड़ोसी सतह होती है और एक क्या होती है बताओ? विपरीत सतह होती है। पड़ोसी सतह को अलग अलग नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस पड़ोसी सतह। इसी को हम कहते हैं एक और नाम से आसन्न सतह, इसी को हम कहते हैं संलग्न सतह। अभी यही शब्द जो है आपको सवालों में मिलने वाले हैं, आसन्न सतह, संलग्न सतह, क्लियर है? या एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह, एक दूसरे से जुड़ी हुई सतह। और विपरीत सतह को हम लोग कहते हैं प्रतिमुख सतह। क्या कहते हैं बताओ? प्रतिमुख सतह। सबसे महत्वपूर्ण पांसे का भाग आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रतिमुख सतह। इसी को हम लोग कहते हैं बताइए क्या? आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह। इसी को हम कहते हैं ऊपर और नीचे की सतह, और इसी को हम क्या कहते हैं? विपरीत सतह। जब हम एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ऊपर नीचे होते हैं तो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं बताइए? अपोजिट सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट सरफेस कहते हैं, क्लियर है? अब मान लीजिए किसी भी एक सतह की बात करें, जैसे हमने कहा 6 सतह जो है वो ए बी सी डी ई और एफ, इन सतह का अपना, इन सरफेसेस का अपना रिलेशन होता है, इन सतहों का अपना रिलेशन होता है। अगर मैं कहूं कि ए सतह के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये एक सतह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है? ए। मैंने कहा कि ए का विपरीत सी है, क्लियर? तो विपरीत क्या हो गया? सी। तो अब पड़ोसी कौन कौन हो गए? बी डी ई एफ। इसका मतलब है प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी होते हैं और एक विपरीत होता है, और जो विपरीत होता है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो पड़ोसी होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। फिर सुन लीजिए, प्रत्येक सतह के क्या बताओ? 4 पड़ोसी और एक विपरीत, और जो विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो पड़ोसी है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। ध्यान रख लीजिए, जैसे हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ए। तो ए का विपरीत क्या हो गया? हमने कहा सी। तो एक विपरीत हो गया। ए के बारे में हम बात कर रहे हैं,
सी विपरीत हो गया, तो बचे कितने चार, कौन कौन से, बी डी ई एफ, तो जो चारों होंगे वो क्या होंगे बताओ, पड़ोसी हो जाएंगे। अब इस बी डी ई एफ में से कोई यहां नहीं आ सकता और ये सी कभी भी यहां नहीं आ सकता, इसका मतलब है जो पड़ोसी होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते और जो विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। इसी कॉन्सेप्ट पर चार और एक के चार पड़ोसी और एक विपरीत, और हमें याद यही रखना है कि विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। क्लियर? अब मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, मैं कहूं कि एक पासे की छह सतह हैं P Q R S T U। मैंने कहा कि P सतह का विपरीत U है, P सतह का विपरीत क्या है बताओ, U। अगर मैं आपसे पूछूं कि P के पड़ोसी कौन होंगे तो आप क्या कह देंगे, U को छोड़कर सब। आसान तरीके से समझिए, अगर मैंने कहा कि P सतह का विपरीत क्या है तो आपने क्या कहा बताओ, U। अगर मैंने कहा कि P के पड़ोसी कौन होंगे तो आपने क्या कहा, U को छोड़कर सब। अब U को छोड़कर कौन कौन सा बचा बताओ, तो आप कहेंगे Q R S T, है ना। अब जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा और जो पड़ोसी है वो क्या होंगे, विपरीत नहीं होंगे। तो किसी भी सतह के विपरीत को अगर हम छोड़ दें, एक विपरीत को, तो जो भी बचता है वो उसके क्या होते हैं बताइए, पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए इस पासे के प्रसारित चित्र में ये बात खोजना बड़ी आसान गलत है कि कौन किसका पड़ोसी है और कौन किसका विपरीत है, तो इस पासे को हम एक सांकेतिक पासे में बदलते हैं, इस तरीके के पासे में। ध्यान समझिएगा, ये आकृति जितने अच्छे से समझ लिए सवाल हल हो गए। इस सांकेतिक पासे में हमने बदला, इसकी भी छह सतह है, हमने लिखा ए बी सी डी ई और एफ। ये भी एक पासे की आकृति है, इसी पासे को हमने खोल दिया और हमने पासे का प्रसार कर दिया। इस पासे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूं। जो याद रखने वाली चीजें वो ये हैं, इस सतह पर चाहे जो लिखा हो इसकी विपरीत ये सतह होगी। जैसे मैंने कहा ए, इस सतह पर चाहे जो लिखा हो ए की जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी बताओ, सी होगी। क्लियर? अब इस सतह पर चाहे जो लिखा हो जिस पे बी लिखा है, इसकी विपरीत सतह क्या होगी, डी होगी। तो बी का विपरीत हमेशा क्या होगा बताओ, डी होगा। और इस सतह पर चाहे जो लिखा हो इसका विपरीत क्या होगा बताओ, एफ होगा। तो ई का विपरीत क्या होगा बताओ, एफ होगा। अब अगर मैं यहां पे कहूं कि ए का विपरीत सी है तो विपरीत तो एक होता है, और मैं आपसे पूछूं ए के पड़ोसी कौन से होंगे तो आप कहेंगे सी को छोड़कर सब। तो सी को छोड़कर कौन कौन सा बच्चा बताओ, बी डी ई एफ। तो पड़ोसी कितने हो गए, चार, तो आपने कहा चार पड़ोसी हो गए। अगर मैं कहूं कि बी का विपरीत डी है तो बी के पड़ोसी कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे डी को छोड़कर सब। तो कौन बचा बताओ, ए बी सी और एफ, सॉरी ए बी की तो बात ही कर रहा हूं मैं, हां तो कौन कौन बचा बताओ, ए सी ई और एफ। कौन बचा, ए सी ई और एफ। क्लियर? अगर मैंने कहा E का पड़ोसी विपरीत F है तो E के पड़ोसी कौन कौन होंगे, तो आप क्या कहेंगे, A B C D। अगर कोई आकृति ऐसे बनी है तो इसमें बस आपको यह याद रखना है क्या, कि इस सतह पे जो भी कंटेंट लिखा है इसका विपरीत C है, इस सतह पे जो भी कंटेंट लिखा है इसका विपरीत ये सतह है या D है, और इस सतह पे जो भी कंटेंट लिखा है इसका विपरीत क्या है, E है। और यही विपरीत और पड़ोसी का एक प्रसारित स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर हम सवाल लगाते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि A के पड़ोसी कौन कौन है, तो आप कहेंगे C को छोड़कर सब, विपरीत को छोड़कर सब। बी के पड़ोसी, तो आप कहेंगे डी को छोड़कर सब, और ई के पड़ोसी, तो आप कहेंगे एफ को छोड़कर सब। मान लीजिए हमने इस पे ये नहीं लिखा और हमने एक दूसरी आकृति बना दी, सवालों के लिए एक दूसरी आकृति बना दी, क्योंकि पड़ोसी तो विपरीत हो नहीं सकते, और मैंने यहां पे लिख दिया दूसरी आकृति में, यहां पे मैंने लिख दिया एल के टी आर एस एम, एल के टी आर एस एम हमने लिख दिया। अगर मैं कहूं कि के का विपरीत क्या है, तो के पर देखे क्या है, के का विपरीत क्या होगा बताओ, आर होगा। इस सतह पे जो भी लिखा हो उसका विपरीत ये सतह होगी। अगर मैं कहूं टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत क्या होगा, एस होगा।
है ना। अगर मैं कहूं एल का विपरीत क्या है, तो एल का विपरीत क्या होगा बताओ, एम होगा। क्या होगा? एम होगा। अगर मैं कहूं कि टी के 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 पड़ोसी कौन कौन है, तो आप क्या कहेंगे, विपरीत को छोड़कर सब, मतलब आर को छोड़कर सब, कौन कौन बचा, एम टी एल एस। अगर मैं कहूं कि टी के पड़ोसी कौन कौन है, तो आप कहेंगे एस को छोड़कर सब, तो कौन कौन बचा बताओ, आर एल के एम। और अगर मैं कहूं कि एल के पड़ोसी कौन कौन है, तो आप कहेंगे एम को छोड़कर सब, तो कौन कौन बचेगा, के टी आर एस। क्योंकि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होगा और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर आपने तय कर लिया, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हमारे मित्र हो जाइए, अगर आप हमारे मित्र पड़ोसी नहीं हो सकते तो आप हमसे दूर चले जाइए, आप हमसे विपरीत हो जाइए, बीच का रास्ता पासे में है ही नहीं। दो ही विकल्प हैं आपके पास। अगर किसी ने कहा कि ये पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि अगर पड़ोसी नहीं है तो फिर विपरीत ही होंगे, क्योंकि और कोई व्यवस्था बीच में है नहीं। क्लियर? आइए अब इस स्ट्रक्चर को अगर मान लीजिए मैं और कन्वर्ट करूं एक स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए मैंने एक इस स्ट्रक्चर को बनाया सवालों से पहले, और मैंने आपको यहां पर लिखा कि ये, मैंने कुछ शहरों के नाम लिखे, मैंने यहां पर लिखा झांसी, यहां पर मैंने लिखा बनारस, यहां पे मैंने लिखा लखनऊ, यहां पे मैंने लिखा कानपुर, यहां पे मैंने लिखा आगरा। क्लियर? और यहां पे मैंने लिखा गाजियाबाद, गाजियाबाद। अगर मैंने ये यहां पे लिख दिया और मैं आसानी से आपसे पूछूं, बताओ झांसी के विपरीत कौन सा शहर है, तो आप क्या कहेंगे, आगरा। और अगर मैं पूछूं झांसी के पड़ोसी कौन होंगे, तो आप कहेंगे आगरा को छोड़कर सब, कौन कौन, बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर। अगर मैं कहूं कि बनारस के विपरीत क्या है, तो आप क्या कहेंगे, गाजियाबाद। अगर मैं कहूं बनारस के पड़ोसी कौन कौन है, तो आप कहेंगे गाजियाबाद को छोड़कर सब, झांसी, लखनऊ, आगरा, कानपुर। अगर मैं कहूं लखनऊ का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे बताइए, कानपुर। अगर मैं कहूं लखनऊ के पड़ोसी क्या होंगे, तो आप कहेंगे कानपुर को छोड़कर सब, तो क्या, झांसी, बनारस, आगरा, गाजियाबाद। बात समझ में आई? इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई है, तो आराम से जो है फिर हम लोग इसको अब सवालों को हल कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन जो आज आपको दी, पहले उस इंफॉर्मेशन पर बात कर लीजिए। किसी भी पासे की 6 बराबर सतह, कितनी सतह, 6। अगर इसमें से एक सतह की हम बात करें, तो प्रत्येक सतह की 4 क्या होती है, पड़ोसी, और एक क्या होते हैं, विपरीत। पड़ोसी को आसन्न, संलग्न या जुड़ी हुई कहते हैं, और विपरीत को प्रतिमुख, आमने सामने, ऊपर नीचे की कहते हैं। जो पड़ोसी हैं वो विपरीत नहीं हो सकते, और जो विपरीत हैं वो पड़ोसी नहीं हो सकते। तो विपरीत को छोड़कर जो बचते हैं पड़ोसी हैं। एक ही बात कर रहे थे, पूरा स्ट्रक्चर यहां पे भी समझाया। इसी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाने के लिए फिर मैंने कहा ये पासे का एक प्रसारित चित्र है, इस सतह पे जो भी लिखा हो इसका विपरीत ये होगी, इस सतह पे जो भी लिखा हो इसका विपरीत ये होगी, और इस सतह पे जो भी लिखा हो इसका विपरीत ये होगी, और विपरीत को छोड़कर जो चारों होंगे वो क्या होंगे बताओ, पड़ोसी होंगे। क्या होंगे? पड़ोसी होंगे। क्लियर हुआ? अब आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं, तो कुछ प्रश्नों उत्तर के माध्यम से मैं इस प्रक्रिया आपको समझाता हूं। अब ऐसे प्रश्न जो देखने में तो बहुत कठिन है, लेकिन बहुत आसानी से आप इनको हल कर लेंगे, आपको विद इन अ सेकंड्स भी नहीं लगेगा। ऐसे आईएएस और पीसीएस में आए हुए प्रश्नों को मैं आपको हल कराने चल रहा हूं, जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। जैसे चलिए कुछ बड़े सवालों से लेकर छोटे सवालों तक सब कुछ आज हल कराता हूं। क्लियर है? आइए रिक्त स्थान भी कराता हूं, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखते रहिए। जैसे पहला सवाल है, चलिए लिखा है यहां पर, देखिए ये सवाल लिखा है यहां पर, घन या पासा एक ही है। क्या लिखा है? एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग सतहों के हैं, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। अब यहां पे एक चीज आपको ये याद रखनी है, जो लास्ट चीज यहां पर हम लोग एक और डिस्कस करना भूल गए, जो जरूरी है मैं तुरंत डिस्कस कर देता हूं आपको। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, अगर कभी भी कहा जाए बीच की सतह के बारे में, बहुत जरूरी है, ध्यान रख लीजिए, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं MSI, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा लाल और
हरे के बीच काला है, काला रंग है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लाल यहां लिख दिया, हरा यहां लिख दिया, और ये काला यहां पे भी लिख सकते हैं क्योंकि बीच में है, ये काला यहां पे भी लिख सकते हैं बीच में है, ये काला यहां पे भी लिख सकते हैं बीच में है, और ये काला यहां पे भी लिख सकते हैं बीच में है। लेकिन ये वास्तव के रूप में लाल और हरे के बीच में कौन सा है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को जब आप ऐसे भर देंगे तो ये हमेशा आपका अनिश्चित या अज्ञात उत्तर देगा और सवाल गलत भी हो सकता है। तो मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को जब भी भरना हो तो जो ये चार क्रमागत सतहें हैं हम इन्हीं पर भरते हैं। जैसे आपसे कहा गया लाल और हरे के बीच में काला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे लाल लिख दीजिए, यहां पे हरा लिख दीजिए, और यहां पे क्या लिख दीजिए, काला। अब ये कंफर्म है कि लाल और हरे के बीच में कौन सा है, काला है, ये सही है। या इसी प्रक्रिया को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पर मान लीजिए मैंने चार पार्टीशन किया तो ये क्या हो गया लाल, ये क्या हो गया बताइए हरा, और इसके बीच में क्या हो गया बताओ काला। ये प्रक्रिया भी सही है। तो मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को किसी सवाल में सबसे पहले बनाते हैं और कभी भी ऐसे नहीं भरते क्योंकि ये एक असमान होती है। हमेशा या तो ऐसे भर दीजिए क्रमागत सतहों पर या तो ऐसे भरिए। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को किसी भी पासे में जब हम भरते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को इन्हीं चार सतहों पर भरते हैं, ऊपर नीचे की सतहों पर नहीं भरते, बाकी सतहों को ऊपर नीचे की सतहों पर भरते हैं। क्यों? इन्हीं चार सतहों पर यह इंफॉर्मेशन निश्चित होती है, बाकी सतहों पर यह इंफॉर्मेशन निश्चित नहीं होती, और सवाल के अलग अलग उत्तर आने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, सवाल आपके गलत हो सकते हैं। तो मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को हमेशा यहां भरते हैं, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपकी बात? अब जैसे मान लीजिए मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन आपको किसी सवाल में दी गई है तो पहले पूरे सवाल की इबादत पढ़ लीजिए, और इबादत पढ़ने के बाद पहले यह देखिए कि क्या सवाल में मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन है। अगर सवाल में मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन है तो याद रखिए भाई, सबसे पहले मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को ही भरना है, इसके बाद बाकी सवाल को हल करना है। क्योंकि अगर आपने पहले इन सतहों को भर दिया और सबसे लास्ट में मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन हुई तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन को भरना है, फिर शेष जानकारी जो बची हुई है उसको उसके बाद भरना है। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसे सवाल पर आवाब आप पढ़ते हैं तो जैसे यहां पर लिखा है, देखिए जैसे यहां पे लिखा है, गौर से देखिए, एक घन के छह पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं, लाल पृष्ठ काले के विपरीत में है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। तुरंत बस इसको ले लीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपकी मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हमने इस सवाल को बनाना शुरू किया और हमने अपना एक ट्रेडिशनल पासा जो प्रसार किया था, हमने उस पासे को यहां पर बना लिया ऐसे। क्लियर? अब क्या लिखा है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, तो ये लाल हो गया और एक काला हो गया, और इसके बीच में कौन सा है, हरा। ये लाइन बन गई, पहली लाइन को लीजिए। क्लियर है? हाँ। दूसरी लाइन को, पहली लाइन क्या है, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, तो लाल के विपरीत काला। ये पहली लाइन अपने आप सेटिस्फाई कर गई कि लाल पृष्ठ काले के कहां पे है, विपरीत है, सेटिस्फाई कर गई। अब तीसरी लाइन लीजिए, अपने आप सेटिस्फाई कर, नीला पृष्ठ सफेद के पड़ोसी है। चलिए, तो अगर हम यहां पर नीला लिख दें तो हम यहां पर सफेद लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो रंग लिखा है उसका विपरीत क्या होगा, हरा। और इस हरे को छोड़कर चाहे जहां आप जो लिख दीजिए सब तो नीले के पड़ोसी होंगे, तो नीला सफेद के पड़ोसी है और भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है। क्लियर है? भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न, तो भूरा को यहां लिख दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आसन्न का मतलब क्या होता है, बताओ, पड़ोसी होता है कि नहीं। तो गौर से देखिए,
नीला पृष्ठ सफेद के पड़ोसी है और नीला पृष्ठ भूरे के भी पड़ोसी है, तो नीले को ऐसी कॉमन जगह रखना था कि वो सफेद का भी पड़ोसी हो गया और भूरे का भी पड़ोसी हो गया। छह रंग आपके भर गए, बहुत आसानी से, आसान है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, आपसे पूछा गया है हरे पृष्ठ के आसन्न चारों रंग कौन से होंगे, तो बताओ हरे के आसन्न का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, तो हरे के आसन्न क्या होंगे, तो विपरीत को छोड़कर सब, तो हरा का विपरीत क्या है, नीला, तो नीले को छोड़कर जो जो भी होंगे वो हरे के क्या होंगे, पड़ोसी। तो कौन कौन सा बचा, लाल सफेद काला और भूरा, तो यहां पर बताइए लाल सफेद काला और भूरा कहां पर है, तो यहां पर देखिए लाल काला भूरा और सफेद, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, सही हो, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, सही। कुछ नहीं करना है, केवल बेसिक को अगर हम याद रखें तो तुरंत हम इन सवालों को हल कर सकते हैं, विद इन 2 सेकंड्स हम इन सवालों को लगा सकते हैं, तो बताइए हमारा उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे अगले सवाल को चलते हैं, हाँ इस सवाल को अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स का है, आराम से देखते हैं। यहां पे देखिए, अब जैसे ये लिखा है इसकी आकृति को हमें बनाना है, मान लीजिए, चलिए एक सवाल ये है, पांचवा सवाल है, एक घन के 6 सतहों पर अलग अलग दिनों के नाम दिए गए हैं, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, चलिए ले लेते हैं तुरंत सवाल को, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सवाल दिख रहा है आपको, तुरंत जब भी इबादत वाला सवाल आए आप अपनी आकृति को तुरंत क्या कर लीजिए, बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, एक हमने पांचा बना लिया, क्या लिखा है बताओ, हाँ बस देख लीजिए, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन तो नहीं है, है देखिए यहां पे है, रविवार और मंगलवार के बीच क्या है, बुधवार, तो सबसे पहले इसको बना लीजिए, रविवार और मंगलवार के बीच में क्या है बताओ, बुधवार है, लिख लिया, रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, अब सोमवार के विपरीत गुरुवार है, कितना आसान है, सोमवार के विपरीत गुरुवार है, 2 विपरीत सतहों को ले लीजिए, ये सोमवार हो गया और इसके विपरीत क्या हो गया बताओ, गुरुवार हो गया, यदि एक सतह पर शनिवार हो, अब एक ही सतह बची है तो इस पर क्या होगा बताओ, शनिवार होगा, अब इस पर शनिवार होगा तो बताइए शनिवार के विपरीत क्या है, तो ये शनिवार है, तो शनिवार के विपरीत क्या होगा, बुधवार, तो तुरंत आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार। फिर से देख लीजिए, रविवार और मंगलवार के बीच में बुधवार है, सोमवार और गुरुवार विपरीत हैं, तो बताइए शनिवार के विपरीत क्या है, बुधवार है, एक सतह एक दिन बचा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, बुधवार हो जाएगा, बड़े आराम से आप तुरंत लगा सकते हैं। फिर देखिए अगला सवाल, अगला सवाल, ये सारे सवाल परीक्षाओं में आए हैं, अगला सवाल है आपका, देखिए यहां पर एक घन की 6 सतहों पर क्या लिखा है आपको बताइए, एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंग है, काले के विपरीत नीला है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है, क्या लिखा है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन, तो हमने लिखा लाल और हरा के बीच गुलाबी, ये याद रखिएगा, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन बाबू गलत नहीं करनी है, लाल और हरे के बीच गुलाबी है, यदि हाँ काले के विपरीत क्या है बताओ, नीला है, तो बहुत आसान है, यहां काला लिख दीजिए, यहां नीला लिख दीजिए, काले और नीले विपरीत हो गए, अब एक सतह पर अगर नारंगी रंग हो तो ये नारंगी वाली सतह हो गई, आसान हो गया, तो उसके विपरीत सतह पर कौन होगा, तो नारंगी के विपरीत क्या होगा बताओ, गुलाबी, तो हमारा गुलाबी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा गुलाबी। अरे भैया मेरी बात समझ में आ रही है, बताएं क्लियर है मामला, अब सवाल हो रहे हैं, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए एक सवाल दिया गया है, एक फैमिली स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको हल कर लीजिए, क्या लिखा है देखो पढ़िए, लिखा है जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, अब देखिए पड़ोसी नहीं है तो क्या है, विपरीत है, पड़ोसी नहीं है या तो पड़ोसी हो सकते हैं, और पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे, विपरीत होंगे। अगर लिखा है भाई कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, तो आप यहां पे देखिए ना रहे पड़ोसी, हमको कौन दिक्कत है, जो कहा हम बना लेंगे, ललित एवं नीरज पड़ोसी है, चलिए जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है तो हमने विपरीत कर दिया, तो हमने कहा भैया ये विपरीत हो गए, तो ये जय हो गए और एक कुमार हो गए, ललित एवं नीरज पड़ोसी है,
चलिए ललित एवं नीरज पड़ोसी है, तो अगर ललित और नीरज पड़ोसी हैं तो ये ललित हो गया, अब नीरज यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां तो ललित का विपरीत बैठेगा। तो अगर ललित और नीरज पड़ोसी हैं तो चाहे आप नीरज को ऊपर बिठा लीजिए और चाहे नीरज को नीचे बिठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस सतह को छोड़कर ये ललित का विपरीत होगा, बाकी सब ललित के क्या होंगे, पड़ोसी। लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, कौन पड़ोसी नहीं है, तारा एवं ललित। तो तारा और ललित पड़ोसी नहीं है, तो ललित और तारा पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे, पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे बताओ, विपरीत होंगे। तो यहां पे ललित के विपरीत कौन हो गई, तारा। तो ये तारा और ललित पड़ोसी नहीं मतलब विपरीत हो गए। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन है, तो अब मानवेंद्र के लिए एक ही सतह बची है नीचे वाली, अगर इस सतह पर मानवेंद्र होगा तो मानवेंद्र के विपरीत कौन होगा बताओ, नीरज हो जाएगा। तो मानवेंद्र के विपरीत कौन होगा बताओ, नीरज हो जाएगा। मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, क्लियर हुआ मामला बताएं, नीरज हो जाएगा यहां क्लियर। आइए फिर देखिए अगले सवाल को देखिए। अब देखिए ये सवाल और आसान होते हैं पासे के प्रसारित चित्रों के, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। गौर से देखिए, जैसे ये सवाल दिख रहा है आप, एक पासा है और एक पासे का प्रसारित चित्र यहां पे दिया गया है ना, और आपको बताना है कि इस चित्र के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो बताओ एफ का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे बी, और ई का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे सी, और ए का विपरीत क्या होगा, आप कहेंगे डी। पेन मत उठाइए, सीधे हल कर दीजिए, ए का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे डी। अब गौर से यहां पे देखिए, अब जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं हो सकते, इसी पासे की आकृति को तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं। तो अगर एफ और बी यहां पर विपरीत है मूल आकृति के हिसाब से, अगर ये इंफॉर्मेशन निकल रही है, तो भैया ऑप्शन में एफ और बी पड़ोसी नहीं हो सकते। ये देखिए यहां पे पड़ोसी बन के बैठे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आप यहां पर हमसे मामला खराब कर ले और फिर भैया हमारे यहां पर आप पड़ोसी बन के बैठ जाए, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए ई और सी एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, और यहां पर ई और सी पड़ोस में बैठे हुए हैं, ये मामला गलत है भाई, ऐसा नहीं। अब यहां पे देखिए ए और डी एक दूसरे के क्या है बताओ, ए और डी एक दूसरे के क्या है यहां पे, तो आप कहेंगे सर विपरीत हैं, और यहां पे देखिए डी और ए पड़ोस में बैठे हैं, तो ये मामला क्या है, गलत है। अब यहां पे गौर से देखिए एफ का विपरीत क्या था बताओ, बी, तो क्या बी कहीं पड़ोस में है भाई एफ के, तो आप कहेंगे नहीं है सर। डी का विपरीत क्या था बताओ, ए, तो ए क्या कहीं पड़ोस में है, तो आप कहेंगे नहीं है। ई का विपरीत क्या होगा बताओ, सी, तो क्या सी कहीं पड़ोस में है, नहीं है। तो सही आकृति कौन सी हो जाएगी बताइए, सही आकृति हो जाएगी आपकी बी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर हुई बात है ना। चलिए अगला प्रश्न भी ऐसा ही है जैसे ये सवाल है, एकदम वैसे ही है। देखिए आप निकाल लीजिए विपरीत, निकाल लीजिए तुरंत, देखते ही निकल आएगा ना। अब इस आकृति को चाहे हम ऐसे बना दें और चाहे हम ऐसे बना दें, ये सब तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर नीचे कर दे, आप जानते हैं ये क्या मामला है। तो बताओ एक का विपरीत दो, तीन का विपरीत पांच, और चार का विपरीत छह, यही होगा कि नहीं, बोलो। अब देखो, अब आप लोग उत्तर करो, बताओ जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तीन और पांच यहां पे देखिए दुश्मनी करके बैठे हैं, और यहां पे पड़ोस में, ये बर्दाश्त नहीं भाई, साफ साफ मामला होना चाहिए। अब गौर से देखिए ये छह और चार गड़बड़ यहां पे कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे विपरीत है और यहां पे पड़ोसी है, यहां पे तीन और पांच फिर गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। अब यहां पे देखिए चार का विपरीत क्या है बताओ, छह, क्या कहीं पड़ोस में है, नहीं है। तीन का विपरीत क्या है बताओ, पांच, क्या कहीं पड़ोस में है, नहीं है। एक का विपरीत क्या है बताओ, दो, क्या कहीं पड़ोस में है, नहीं है। तो बताओ सही उत्तर कौन सा होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। अरे कुछ करना ही नहीं है, केवल देखना है, अगर नजरें अच्छी हैं तो देख लीजिए, सवाल लगाने की जरूरत कहां है, मैं तो कहता हूं देख लीजिए तो हल हो जाए, लगाने की जरूरत ही नहीं है। आइए अब जैसे मान लीजिए कभी कभी सब बेवकूफ बनाते हैं तो एग्जामिनर भी बेवकूफ बनाता है, जैसे बनाया यूपीपीसीएस 2015 के प्री में पूछे गए सवाल में हम लोगों को बेवकूफ बनाया। ये देखिए इस सवाल से बनाया था उसने बेवकूफ, फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल से। बहुत सारे लोग बन गए, बहुत सारे लोग नहीं बने। देखिए
तो जब आपको मेरी बात याद रहेगी तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैंने आपसे कहा है एक पासा केवल तीन प्रकार का हो सकता है, वन सरफेस कॉमन जिसकी एक सतह समान हो, टू सरफेस कॉमन जिसकी दो सतह समान हो, और नो सरफेस कॉमन जिसकी कोई सतह समान ना हो। यही तो कहा है, अगर ये कोई पासा इन तीन में से नहीं है तो इसका मतलब वो आकृति पासा नहीं है। तो यहां पे जब हमने इस सवाल को देखा तो इसमें वन सरफेस कॉमन है ही नहीं, ना तो ये सवाल वन सरफेस कॉमन है और ना तो टू सरफेस कॉमन है। नो सरफेस कॉमन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि नो सरफेस कॉमन में तो केवल एक से लेकर छह तक के अंकों को ही लिखा जा सकता है, तो नो सरफेस कॉमन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो अब इसका मतलब है अगर पासे के अंदर कोई आकृति लिखी गई हो और ना तो वो वन सरफेस कॉमन हो, ना वो टू सरफेस कॉमन हो, और ना वो नो सरफेस कॉमन हो, तो वह तुरंत मान लीजिएगा कि वो आकृति पासा नहीं है। अब पासा नहीं है तो क्या है? देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग है। अगर वन सरफेस कॉमन टू सरफेस कॉमन नहीं है, टी के बाद यू छूटा है, वी आया है, और वी के बाद डब्ल्यू छूटा है, एक्स आया है। एक पहली आकृति में एक एक छूटा है, इसी कॉर्नर से शुरू करिए, दूसरी आकृति में दो दो छूटे हैं, एम के बाद एन छूटा है, ओ आया है, ओ छूटा है, पी आया है, और पी के बाद क्यू छूटा है, आर छूटा है, एस आया है। अब तीसरी आकृति में तीन तीन छूटेंगे तो ए के बाद बी सी डी ई आया है, और ई के बाद एफ जी एच आई आया है। अब यहां पर चौथी आकृति में हमें ऐसा अल्फाबेट रखना है जहां पर हम क्या करें बताइए, चार छोड़ दें तो जे आ जाए। तो अगर हम यहां पे ई रख दें तो यहां पे देखो एफ जी एच आई, चार छूटने पे जे आया, और जे के बाद फिर चार छोड़ दीजिए के एल एम एन, तो यहां पे क्या आएगा ओ, तो हमारा उत्तर होगा ई और ओ। तो पासा तो था नहीं, लेकिन हमको बेवकूफ बना रहे थे पासा करके। तो जब भी कोई आकृति कैसे पहचान लेंगे, अगर कोई आकृति वन सरफेस कॉमन टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन नहीं है तो मान लीजिए वो आकृति पासा नहीं है, वो आकृति पासा नहीं है। क्लियर है? बताए, क्लियर है? हाँ, चलिए और बताते हैं। आइए, आईएएस ने भी हमसे एक सवाल पूछा, वो सवाल भी देखते ही हल करना था, जैसे ये सवाल जो देख रहे हैं। हाँ, ये आईएएस ने हमसे पूछा था, चलिए तुरंत पलक झपकते हल। आप गौर से देखिए, हमें भरना था ए और बी के स्थान पर क्या है, कॉमन सेंस के हिसाब से भी भर सकते हैं। कैसे? कोई भी वन सरफेस कॉमन दो ले लीजिए, यहां से घूमिए एक चार छह, यहां से घूमिए एक तीन दो, और एक का विपरीत क्या होगा पांच। अब हमें पांच के बगल में बी और ए का मान भरना है, बी और ए का मान भरना है, भरना है कि नहीं? गौर से देखिए, पहले विकल्प में दिया गया है दो और एक, दो और तीन, दूसरे विकल्प में दिया गया है छह और एक, तीसरे विकल्प में दिया गया है एक और चार, और चौथे विकल्प में दिया गया है तीन और एक। गौर से देखिए, अगर हमें कहा गया यार लग रहा मामला गड़बड़ हो गया, फिर देखते हैं टेक्निकल, ये एक से चल लीजिए, क्या लिखा है बताओ, एक चार छह, यहां पे एक तीन दो, और एक का विपरीत पांच। विकल्प क्या दिए गए हैं देख लो, विकल्प दिए गए हैं बताओ दो और तीन, छह और एक, एक और चार, तीन और एक, ये हमारे विकल्प हैं, विकल्प यही तो है हमारे। अब गौर से देखिए, पांच के बगल में बी और ए का मान बताना है, तो भैया पांच के बगल में जो भी बैठेगा वो पांच का पड़ोसी होगा, अब जो पड़ोसी होगा वो विपरीत तो हो नहीं सकता इसके आधार पर, और पांच का विपरीत यहां पे क्या है एक, इसका मतलब पांच के बगल में ना तो बी का मान एक हो सकता है और ना तो ए का मान एक हो सकता है, ना तो बी का मान एक हो सकता है ना तो ए का मान एक हो सकता है, और तीनों ऑप्शन में यहां पर एक है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकते, तो उत्तर क्या होगा बताओ दो और तीन। तो मैं कह रहा हूं सवाल को लगाने की जरूरत क्या है, आप देख लीजिए कॉमन सेंस से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पांच के बगल में जब आप ए और बी का मान रखोगे तो ये पांच के क्या है बताओ, ये पांच के पड़ोसी हैं, और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, मतलब बी और ए का मान एक नहीं हो सकता, तीनों विकल्प में तो ए है एक है, इसका मतलब तीनों विकल्प उत्तर नहीं हो सकते, तीनों विकल्प उत्तर नहीं हो सकते, तो उत्तर क्या होगा बताओ दो और तीन होगा, क्योंकि यहां पर एक। तो आज की क्लास
और पांसा मैं यही समाप्त करता हूं, क्लियर है। और अब पांसे का कोई सवाल मैं वादा करता हूं अब आपसे गलत नहीं होगा, कल एक नए टॉपिक के साथ जो है मैं आपके समक्ष उपलब्ध होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। धड़ाधड़ कमेंट और लाइक किया करिए, सकारात्मक रहा करिए, जीवन में खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, एक दृढ़ निश्चित करिए। सब ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदारी की नजरों से देखेंगे पूरी दुनिया ईमानदार और सकारात्मक है। आप जबरदस्त पढ़ाई करिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। टारगेट बता लो, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट समर्पित है, हम समर्पित हैं, हम सब समर्पित हैं आपको सफल कराने के लिए। वादा रहा, दृढ़ निश्चय कर लीजिए। जल्द ही आगे की प्रक्रियाएं बताई जाएंगी, 2-3 दिनों में मेरे बाद जिसकी क्लास है सर की, वो आने वाले हैं, उनका भी लुत्फ लीजिए, सबका लुत्फ लीजिए। बढ़िया घर में बैठे हैं, मौसम अच्छा हो गया है, क्या दिक्कत है, पढ़ते रहिए। दुनिया का सबसे सरल काम है पढ़ाई। मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कहीं काम करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, धूप में जाना पड़ेगा, 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, पापा पैसा भेज रहे हैं 5,000, घर में बैठे हो, पंखे के नीचे पढ़ाई करनी है, इससे आसान सवाल काम क्या है बताओ। तब भी नहीं कर रहे हो, करो, क्योंकि यही करोगे तभी सफल होगे। करो, तब भी नहीं कर रहे, करिए। मेरी अनंत शुभकामनाएं, आकाशवर शुभकामनाएं आपके साथ है। आप करिए, पढ़ाई करिए, हम सब आपके साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का टाइमिंग है, क्लास शुरू हो रही है, इंतजार करिए। जय हिंद। और कैसे हैं आप सभी लोग, मैं रमेश कुमार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका इकोनॉमी का टीचर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हम बेरोजगारी से संबंधित वो सारे सवालों को जो कि एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक वाक्य से शुरुआत करेंगे जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। ये कहते थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोने के दौरान देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब तक आपका अपना सपना यानी आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए, तब तक आपको सोना नहीं है, बल्कि एकदम लगातार, एकदम निरंतर गति से ऊर्जावान होकर मेहनत करते रहना है। तो एकदम प्रेम से पढ़ाई करते रहिए और एकदम हर मौके को कभी भी पकड़ लीजिए, कोई भी मौका को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे बेरोजगारी चैप्टर से, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की शुरुआत करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, बेरोजगारी। अब देखिए, इस चैप्टर में हम वही महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे जो कि बराबर एग्जाम्स में आते हैं, जहां से सवालों का भंडार होता है। तो सबसे पहले हम यदि अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होता है। तो ये बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये बताइएगा। तो देखिए, बेरोजगारी किसी व्यक्ति की वह दशा होती है जो कि वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है और कार्य करने के योग्य भी होता है, इच्छुक भी होता है, यानी कार्य करना चाहता है और बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर भी कार्य करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता है। तो व्यक्ति की इस दशा को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। यानी यहां पर फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि व्यक्ति की वह विशेष अवस्था जिसमें व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है और कार्य करने के योग्य भी है, इच्छुक भी है, और बाजार में जो प्रचलित दर चल रहा है काम करने का, उस पर वो कार्य करना चाहता भी है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल पाता है, तो बेरोजगारी की। तो इस व्यक्ति यानी व्यक्ति की इस दशा को हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी। तो यहां पर बेरोजगारी क्या है, एक विशेष अवस्था है। बेरोजगारी क्या है, एक विशेष अवस्था है जिसमें व्यक्ति कार्य करना चाहता है, ठीक है ना, जिसमें व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल पाता है। तो इस दशा को
तो इस विशेष दशा को हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी, और उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बेरोजगार। ठीक है ना। अब यहां पर बेरोजगारी की परिभाषा हम समझ गए कि बेरोजगारी किसी व्यक्ति की वह विशेष दशा या अवस्था है जिसमें व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल पाता है, तो उस दशा या अवस्था को बेरोजगारी और उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बेरोजगार। अब यहां पर हम दो चीजों की बात करेंगे। बेरोजगारी में हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे, क्या चीज बेरोजगारी में एक चर्चा करेंगे, ऐच्छिक, यहां पर ऐच्छिक बेरोजगारी की चर्चा करेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ऐच्छिक बेरोजगारी यानी वोलुंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की यहां पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार है, इसका सीधा सा ये मतलब हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता है, या बाजार में जो उस व्यक्ति की काम की जो प्रचलित दर चल रही है, जैसे एक राजमिस्त्री है, घर बनाने वाला एक मजदूर है, अगर उसकी बाजार में प्रचलित मजदूरी 500 रुपये है, अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि हम 1000 रुपये में काम करेंगे तो कहां से कोई काम देगा। तो बाजार में जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पर यदि कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, उसके दादा परदादा के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पास अथाह संपत्ति है और वो काम ही नहीं करना चाहता है, तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार है, उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और सामान्यतः जब बेरोजगारी की काउंटिंग की जाती है, बेरोजगारी मापी जाती है, तो उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार है उसको हम बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां पर एक अनैच्छिक बेरोजगारी की हम बात करेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी। अब इसको थोड़ा सा समझ ले, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी। तो अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने इच्छा के, यानी इच्छा है उसके काम करने का लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, हमारी इच्छा है काम करने का और बाजार में जो प्रचलित मजदूरी दर चल रही है हम उसी पे काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें काम नहीं मिल पाता, तो इच्छा है हमारी काम करने का लेकिन काम नहीं मिल पाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और सामान्यतः जो बेरोजगारी का मापन किया जाता है, कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उसमें किनको शामिल किया जाता है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी को ही शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत ही बेरोजगार लोग आते हैं। तो यहां पर आपने क्या जाना कि बेरोजगारी के मापन में ऐच्छिक बेरोजगार व्यक्तियों को हम शामिल नहीं करते हैं, बेरोजगारी के मापन में जो लोगों को शामिल किया जाता है वो अनैच्छिक बेरोजगारी होता है, यानी इसको हम सामान्यतः शामिल करते हैं, बेरोजगारी में शामिल किया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुली बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अब आपने क्या जाना, ऐच्छिक और अनैच्छिक समझ लिया, और अनैच्छिक बेरोजगारी को हम शामिल करते हैं और इसे हम खुली बेरोजगारी की संज्ञा भी देते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम ये डिस्कशन करेंगे, ये एक्सप्लेन करने के यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है और उसके मतलब क्या होते हैं। तो यहां पर हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों, भारत में बेरोजगारी। हेडिंग बना लीजिए क्या, भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले भारत में बेरोजगारी की यदि हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम किसको समझेंगे, हम इसमें समझेंगे ग्रामीण बेरोजगारी
ग्रामीण बेरोजगारी की यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे यहां पर प्रचंड छिपी, कहिए छिपी अदृश्य, छिपी अदृश्य या प्रचंड या प्रचंड बेरोजगारी की हम यहां पे बात करेंगे। भारत में बेरोजगारी की हम बात करें और भारत में भी ग्रामीण बेरोजगारी के हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे, तो छिपी अदृश्य या प्रचंड बेरोजगारी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रचंड बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड क्या चीज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो जाएगा। और फिर एक हम बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी की, एक बात क्या करेंगे मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी की हम बात करेंगे, यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की हम यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर भारत में बेरोजगारी और ये दोनों महत्वपूर्ण, या तो छिपी बेरोजगारी कहिए, अदृश्य या प्रचंड या मौसमी बेरोजगारी, ये दो बेरोजगारी का ग्रामीण संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी क्या चीज, इसे हम छिपी भी कहेंगे और इसे हम अदृश्य भी कह सकते हैं, छिपी अदृश्य या प्रचंड बेरोजगारी भी हम इसे कह सकते हैं, प्रचंड बेरोजगारी। अब ये समझिए थोड़ा सा कि ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, छिपी बेरोजगारी क्या है, ये क्या है छिपी बेरोजगारी। तो यदि किसी काम में, ठीक है ना, यहां पर सुनिएगा, यदि किसी काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हैं, यदि किसी काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हैं, यानी उस काम में यदि हम मान लें कि 10 लोगों की जरूरत है और 15 लोग काम में लगे हुए हैं, तो ऊपरी तौर पर तो दिखाई देगा कि 5 लोग जो हैं, जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त लगे हुए हैं, वो तो काम पे लगे हुए हैं, लेकिन उस काम में लगे रहने का कोई फायदा नहीं होता है, यानी कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। यानी किसी भी काम में यदि आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं, तो जो अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हैं, उन्हें तकनीकी रूप में हम क्या कहेंगे, अदृश्य बेरोजगार कहेंगे, प्रचंड बेरोजगार कहेंगे या छिपी हुई बेरोजगार कहेंगे, और उस व्यक्ति की दशा को हम क्या कहेंगे, अदृश्य बेरोजगारी। यानी हम एग्जांपल में आपको समझाएं, तो मान लीजिए भूमि का एक टुकड़ा है, ये क्या है, भूमि का एक टुकड़ा है, इसमें आवश्यकता है 10 व्यक्ति की, इसमें है आवश्यकता 10 व्यक्ति की, और इसमें काम पे लगे हैं 13 व्यक्ति, इसमें काम पे लगे हैं 13 व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहां पर 10 व्यक्ति जो काम पर लगे हैं, 10 व्यक्ति मिलके क्या चीज, 10 व्यक्ति मिलके 1000 किलोग्राम, 10 व्यक्ति मिलके 1000 किलोग्राम अनाज का उत्पादन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा तकनीकी शब्द है, एक भूमि का टुकड़ा है और इसमें आवश्यकता है मात्र 10 लोग, ये 10 लोग मिलके बड़े आराम से काम कर सकते हैं, और 10 लोग मिलके कितना, 1000, 10 लोग मिलके 1000 किलोग्राम अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन घर के बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं क्या, कि चलते हैं घर वाला का मदद कर ले, यानी काम है 10 लोगों की लेकिन 13 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं 3 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो ये 3 अतिरिक्त व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, प्रचंड बेरोजगार कहेंगे, या और उनकी दशा को प्रचंड बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे। ये इसलिए कहते हैं कि ये ऊपरी तौर पर दिखाई देते हैं कि उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पे हम उन्हें बेरोजगार कहेंगे। क्यों, क्योंकि इनके लगे, ये अगर इन 3 व्यक्तियों को, ये जो 3 लगे हैं, अगर इनको हटा दिया जाए, इन 3 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, तो ये कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये 1000 का 1000 किलोग्राम का ही उत्पादन होगा। अब यहां पर पूछा जाए कि इन 3 व्यक्तियों का उत्पादन में योगदान क्या हुआ, इन 3 व्यक्तियों को उत्पादन में क्या हुआ, यानी ये 10 व्यक्ति मिलके, ये 10 व्यक्ति मिलके 1000 किलोग्राम का उत्पादन किए और 13 व्यक्ति भी मिलके 1000 किलोग्राम का उत्पादन किए, तो ये 3 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, इनके द्वारा हम पूछे कि किया गया उत्पादन क्या है, तो शून्य होगा, 0 होगा। यानी ये 3 व्यक्तियों का जो एमपी है, इन 3 व्यक्तियों का ये क्या है, एमपी, एमपी का मतलब यहां पे होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी,
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, यानी सीमांत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता, ये सीमांत उत्पादकता क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पादकता इनका शून्य हो जाएगा, सुन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो व्यक्ति अदृश्य रूप से बेरोजगारी है, जो व्यक्ति अदृश्य रूप से बेरोजगार है, उनकी सीमांत उत्पादकता एमपी यानी सीमांत उत्पादकता क्या होती है, जीरो होती है, शून्य होता है। ये सीमांत उत्पादकता क्या होता है, तो ये सीमांत उत्पादक का मतलब ये हुआ कि एक अतिरिक्त व्यक्ति के लगाए जाने के कारण जो कुल उत्पादन में वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं सीमांत उत्पादकता कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 10 व्यक्ति मिलके 1000 और 13 व्यक्ति मिलके भी 1000 किलोग्राम उत्पादन, तो इन तीन व्यक्ति जो थे उनके द्वारा किया गया उत्पादन क्या है, सुन, तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, पूरा समझ लिया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। कोई देख तो ये छिपी हुई बेरोजगारी है, और ये समानता, ये छिपी हुई बेरोजगारी ये खेतों में पाई जाती है, खेतों में समानता ये खेतों में पाई जाती है, यानी ये कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, और कृषि को हम क्या कहते हैं, कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालों का अंबार लग गया, बहुत सारे सवाल यहाँ पर आपको मिल गए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, उसमें सीमांत उत्पादकता के बेरोजगारों की क्या होती है, सीमांत उत्पादकता शून्य होता है, और छिपी हुई या अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये भारत के ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में यानी कृषि क्षेत्र में देखने को ज्यादा मिलती है। कहीं कहीं क्या पूछ देता है, कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। कोई दिक्कत, समझ गए सब। अब यहां पर आइए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोगों ने समझ लिया कि आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का लगे रहना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। अब यहां पर आइए मौसमी बेरोजगारी की हम यहां पर चर्चा करें, मौसमी बेरोजगारी की चर्चा करें यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा कर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है क्या है, मौसमी, यानी मौसम के आधार पर बेरोजगारी। तो आप जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है, आप जानते हैं क्या चीज है कि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, भारतीय कृषि मानसून पर क्या है, आधारित है, भारतीय कृषि मानसून पर आधारित। तो ये जो मानसून है इसका मतलब क्या चीज होता है, वर्षा का होना। मानसून का मतलब वर्षा का मतलब, देखिए अभी आ रहा है बारिश का मौसम आ रहा है, ठीक है ना। तो भारत के संदर्भ में क्या देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कृषि का, ग्रामीण क्षेत्र में ही तो कृषि है, कृषि का लेना देना किससे, ग्रामीण क्षेत्र का। तो मानसून का यहां मतलब हुआ कि भारत में अधिकांशता जो खेती है वो मानसून पे आधारित है, यानी बारिश होगी तो खेती होगी और बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। यानी मानसून, यहां पे अगर सिंचाई व्यवस्था की हम बात करें तो भारत के कुछ क्षेत्रों को जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, इन सब क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में सिंचाई व्यवस्था का बहुत बड़ा अभाव है, यानी सिंचाई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए खेतों में, पूरे भारत के खेतों में सालों भर पानी नहीं मिल पाता है। जब मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, तो खेतों को पानी मिल पाता है और उसमें किसान लोग काम कर पाते हैं और रोजगार मिलता है। सालों भर किसानों को रोजगार नहीं मिल पाता है, यानी खेतों में सालों भर पानी नहीं होता है तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। तो यहां पर क्या होता है कि साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ महीने का मतलब 3 से 4 माह ऐसा होता है, जब किसानों को काम नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कृषि मानसून पे आधारित है, सालों भर पानी नहीं मिल पाता है, तो साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें किसान लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो बेरोजगारी की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी की उस अवस्था को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और यह भी समानता
ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में यानी कृषि में यानी प्राथमिक क्षेत्रों में दिखलाई देता है। यानी इसका भी रिलेशन किससे है, इसका भी रिलेशन है कृषि से। कृषि मतलब क्या चीज, प्राथमिक क्षेत्र से लेना देना है, प्राथमिक क्षेत्र से है। कोई दिक्कत अब यहां पर हम समझ गए। यानी यहां पर दो चीजें हम लोग समझ लिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, और दोनों कृषि से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए यहां पे इसका यदि हम कारण की यदि हम बात करें, यदि हम कारण कि ये मौसमी बेरोजगारी का कारण क्या है तो सिंचाई का अभाव। मौसमी बेरोजगारी का कारण क्या है तो सिंचाई का अभाव, इसका मुख्य वजह है, मुख्य कारण है। अब चलिए अब यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में अब यहां पर चर्चा करेंगे एक विशेष बेरोजगारी का, जहां से बहुत बार सवाल आते हैं, अनगिनत बार सवाल आ चुके हैं, वो क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी की हम बात करेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी की यहां पर हम बात करेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी की हम चर्चा करेंगे। तो यह मुख्यतः भारत में या विकासशील देशों में इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत क्या है, एक प्रकार का विकासशील देश है, यानी ग्रोइंग कंट्री है। भारत ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो भारत एक विशाल देश, भारत एक विकासशील देश है, और संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, तो समझिएगा, ये देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो रोजगार के अकॉर्डिंग यानी रोजगार के अनुसार व्यक्तियों की योग्यता का न होना इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। रोजगार के अनुसार व्यक्तियों की योग्यता का न होना इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। थोड़ा सा इसको हम और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि रोजगार के अनुसार व्यक्ति की योग्यता का न होना, व्यक्ति की योग्यता का न होना, ठीक है ना, रोजगार का मतलब। अब यहां पर देखिएगा, अब एक और क्या चीज है, रोजगार के अनुरूप योग्यता नहीं होती है, यानी ये है रोजगार, समझिएगा, ये है रोजगार, ठीक है, और ये है व्यक्ति, ये है रोजगार और ये है व्यक्ति, ये काम करना चाहता है। यहां पे रोजगार किस चीज का है, हम यहां पर रोजगार, हमको कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, हमको यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है। अब समझिएगा, रोजगार है, हमें जरूरत है कंप्यूटर ऑपरेटर की, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा क्या चीज, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, तो ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ये शारीरिक काम करना चाहता है, केवल श्रमिक है, ये एक सामान्य मजदूर है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास किसी भी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है, कुशल नहीं है। अब देखिए, रोजगार है, काम है कंप्यूटर ऑपरेटर की, लेकिन ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो अब बताइए इस काम के अकॉर्डिंग इसकी योग्यता है, इस काम के अकॉर्डिंग इसकी योग्यता जो है वो नहीं है। तो रोजगार रहते हुए भी इस व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है। तो जब ये वाली कंडीशन उत्पन्न होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी काम के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग रोजगार का न मिल पाना, जो काम है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति की योग्यता नहीं होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी हम कहें तो ये रोजगार भी है और व्यक्ति भी है, लेकिन यहां जो योग्यता चाहिए उसमें तालमेल का अभाव है, यानी मिसमैच है। क्या है, मिसमैच। चलिए
तो ये सारा चीज हो गया। अब संरचनात्मक बेरोजगारी की यदि हम कारण की यहां पे बात करें कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, तो कुशलता का अभाव, कुशलता का अभाव, कुशलता का अभाव, यानी जिस तरीके से काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है उस प्रकार के स्किल्ड लोग यानी योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं, कुशल लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो काम भी है और काम करने वाले व्यक्ति भी है, लेकिन दोनों के बीच क्या है, मिसमैच है, यानी तालमेल का अभाव है और इससे भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। कोई दिक्कत? हाँ जी, एक बात आपको यह बताना चाहेंगे कि कभी भी ये मत समझ लीजिएगा कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी होता है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, बल्कि रोजगार का मतलब ये भी होता है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी योग्यता ला ले, कुशलता ला ले कि आप स्वयं का भी, खुद का अपना रोजगार आप कर पाए, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप बन पाए, यानी स्वयं का रोजगार खोज पाए और किसी दूसरे को भी रोजगार अपने अकॉर्डिंग दे पाए। तो यहाँ पे रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं या प्राइवेट कंपनियों में जाके काम करते हैं उसी को नहीं कहते हैं, बल्कि रोजगार का मतलब होता है खुद का भी रोजगार, खुद का दुकान, खुद की कोई आप काम करे, स्टार्टअप स्टार्ट करे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे आगे बढ़े, अब चलिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने संरचनात्मक बेरोजगारी पढ़ लिया और नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, कि भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी, भारत में सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अब देखिए, अगर ऑप्शन में यदि रहे कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, अगर संरचनात्मक है तो तुरंत ठीक कर दीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर आइए, एक चीज और इसका कारण है, एक कारण और आपको बताएंगे, तकनीकी परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। अब तकनीकी परिवर्तन क्या है जी, एकदम बताइए, तकनीकी परिवर्तन क्या है। तकनीकी परिवर्तन का यहां पर मतलब हुआ कि सिंपल सा मान लीजिए, पहले पीसीओ था, पहले हम फोन करने के लिए पीसीओ में जाते थे, वहां पे हम फोन करते थे, लेकिन अब पीसीओ की जगह क्या चीज आ गया, मोबाइल आ गया। अब पीसीओ की जगह मोबाइल आ गया, तो जो व्यक्ति इसमें काम कर रहे थे वो क्या हो गए, वो व्यक्ति बेरोजगार हो गए, यानी ये पीसीओ अब दिखाई देता है, पीसीओ दिखाई नहीं देता है, तो जो व्यक्ति इसमें काम कर रहे थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए और मोबाइल ये चालू हो गया। पहले रिचार्ज वाला सिस्टम था, पहले बहुत सारे लोग रिचार्ज की दुकान खोल के बैठ गए होते, रिचार्ज की दुकान खोल ली और उसे रिचार्ज करवा रहे, लेकिन आज के समय में क्या चीज, अब जैसे ही ये ऑनलाइन आया, ऑनलाइन रिचार्ज करने का समय आया, तो क्या हुआ, अब सब लोग ऑनलाइन रिचार्ज करवा ले रहे हैं, तो रिचार्ज करने वाले जो स्क्रैच करके हम लोग रिचार्ज करते थे, अब उसमें जो काम पे लगे हुए व्यक्ति थे वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमारे देश में, हमारा देश विकासशील देश है, इतना तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, इतना तेजी से तकनीकी परिवर्तन हो रहा है कि लोग अपनी योग्यता को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, लोग अपनी योग्यता को क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे, आधुनिकीकरण नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो तकनीकी परिवर्तन, कुशलता का अभाव संरचनात्मक बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण है। अब यहां पर आइए, अब यहां पर हम देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी, अब यहां पर चर्चा करेंगे शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड ऑन एम्प्लॉयमेंट की यहां पर हम चर्चा करेंगे शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए, शिक्षित बेरोजगारी क्या है, तो शिक्षित बेरोजगारी का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति शिक्षित है, एजुकेटेड है, काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। मान लीजिए हम शिक्षित हो गए, एजुकेटेड हो गए और हम काम की तलाश में हैं, काम ढूंढ रहे हैं, काम करने की हमारी इच्छा है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल पाता है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी। ऐसा होता क्यों है,
कि शिक्षित होते हुए भी काम नहीं मिल पाता। क्यों ऐसा होता है, शिक्षित होते हुए भी काम नहीं मिल पाता है? तो इसके कारण पर आइए, इसके कारण ये है, कारण पर कि भारतीय शिक्षण प्रणाली क्या है? भारतीय शिक्षण प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षण प्रणाली है, यही दोषपूर्ण है। हमें इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है जिससे काम मिल पाए। यानी समानता हम ये कहें तो वही इतिहास, पुराना इतिहास, बाबर, अकबर, बिरबल, इसको पढ़ने से रोजगार मिलेगा? हमें वोकेशनल कोर्स की जरूरत है, व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है। हमें वोकेशनल कोर्स चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है, जिससे पढ़ने के बाद, एक साल, दो साल, तीन साल पढ़ने के बाद हम मार्केट में जब निकले तो खुद का भी रोजगार कर पाए और हमें रोजगार मिल पाए। लेकिन जो हमारी शिक्षण प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें इस तरीके की एजुकेशन दे रही है जिससे हमें नॉलेज तो होता है, पुरानी इतिहासों का नॉलेज हो जाता है जिसका हमें कोई मतलब नहीं है आज के समय में, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। यानी भारतीय शिक्षण प्रणाली जो है, ये भारतीय शिक्षण प्रणाली है, ये क्या है? ये केवल उपाधि प्रेरक है। यानी बड़ी बड़ी हमें डिग्री मिल जाएगी, जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास करेंगे, जैसे ही आप एमए करेंगे, उसके बाद आपको इतनी बड़ी बड़ी डिग्री मिल जाएगी, देखने में बड़ा सुंदर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन वो डिग्री ले जाके आप कंपनियों को दिखाएंगे कि भैया ये हमारी डिग्री है, यहां से हमने पास किया है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कहेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो आपकी योग्यता है वो आपके पास है कि नहीं, ये हम आप लोग पहले जांचना शुरू करेंगे। तो भारतीय शिक्षण प्रणाली क्या है? केवल उपाधि प्रेरक है और ये रोजगार प्रेरक नहीं है। ये क्या है? रोजगार प्रेरक नहीं है। तो हमें जरूरत क्या चीज है? जरूरत हमें है व्यवसायिक शिक्षा की। जरूरत किसकी है? व्यवसायिक शिक्षा, यानी वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स की जरूरत है, व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है, इससे रोजगार मिलेगा। यानी इस प्रकार की हमें शिक्षा दीजिए, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद हमें रोजगार मिले। शिक्षा इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि हमको केवल डिग्री मिले और रोजगार ना मिले। तो यही भारतीय शिक्षण प्रणाली का दोष है कि शिक्षित रहते हुए भी हमें रोजगार नहीं मिल पाता है। और सबसे ज्यादा अगर हम पूछे, आपसे एक सवाल पूछे, तो सबसे ज्यादा सो शिक्षित बेरोजगार है। सबसे ज्यादा जो शिक्षित, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी जो है वो केरल राज्य में है। केरल राज्य में है सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी। और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो केरल है उसकी सबसे ज्यादा एजुकेशन है, यानी साक्षरता, लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा केरल के है। यानी केरल में पढ़े लिखे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है उससे रोजगार मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि विकसित देशों में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ध्यान सुनिएगा, विकसित देशों में बेरोजगारी कौन कौन सी पाई जाती है विकसित देशों में? तो यहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले चक्रीय बेरोजगारी की बात करेंगे। चक्रीय बेरोजगारी की यहां पर बात करेंगे। तो ये चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि मांग में कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मांग में कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कैसे? तो मांग में कमी के कारण क्या होगा? तो मांग में कमी होगा तो उत्पादन में कमी होगा। मांग में कमी तो उत्पादन में कमी, और उत्पादन में कमी होगा तो रोजगार में कमी, और जब रोजगार में कमी होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी में वृद्धि। और इसे ही हम चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। यानी मांग में कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, और मांग में वृद्धि के साथ ही ये बेरोजगारी समाप्त भी हो जाती है, और ये विकसित देशों में सामान्यता पाई जाती है, और ये अस्थायी है, यानी लंबे समय तक ये ज़्यादा नहीं रहता। मांग में कमी हुआ तो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ, और जैसे ही मांग में वृद्धि हुआ बेरोजगारी समाप्त हुआ। यानी ये छोटे काल के लिए, अल्पकाल के लिए होता है, ठीक है ना। अब यहां पर एक और बेरोजगारी की हम बात करेंगे,
घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी की यहां पर चर्चा करेंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की यहां पर चर्चा करेंगे। अब देखिए ये क्या चीज है, एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में व्यक्ति जब जाता है तो बीच की कुछ अवधि तक वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। ठीक है ना, एक रोजगार को छोड़ दिया, दूसरे रोजगार की तलाश कर रहा है तो वो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए क्या चीज, वो बेरोजगार हो जाता है। तो बेरोजगारी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी। यानी हम बात करें कि ये एक एप्पल कंपनी है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ठीक है ना, अब एप्पल कंपनी यहां से छोड़ के अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहता है, यहां नौकरी छोड़ा और यहां पे काम करना चाहता है, तो बीच का ये पीरियड कुछ दिनों के लिए वो व्यक्ति बेरोजगार सा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी हम कहते हैं। या एक और कारण हो सकता है, खुद रोजगार दे दे या ये कंपनी उसको रोजगार से बाहर कर दे, रोजगार से निकाल दे, छटनी कर दे, तो जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक वो कुछ दिनों तक बेरोजगार हो जाता है। तो बेरोजगारी की इस अवस्था को हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। और यह भी समानता विकसित देशों में पाई जाती है। और एक चीज, ये भी अल्पकाल के लिए होता है। कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोगों ने सारा चीज पढ़ लिया, विकसित देशों में बेरोजगारी और क्या होता है। अब यहां पर देखिए, अब हम कुछ सवाल यहां पर करेंगे। सारी बेरोजगारी, जो महत्वपूर्ण बेरोजगारी है, हमने आपको पढ़ा दिया। अब यहां पर चलिए कुछ सवालों को ढूंढते हैं, कुछ सवालों को हल करते हैं। ठीक है ना, एक चीज यहां पर आप मानक वर्ष की चर्चा कर ले, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, मानक वर्ष, स्टैंडर्ड ईयर की चर्चा कर ले। तो अगर कोई व्यक्ति 273 दिन और 8 घंटे 273 दिन और 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, अगर कोई व्यक्ति एक साल में 273 दिन और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ईयर यानी मानक वर्ष कहते हैं। और व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में कहेंगे, और व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में यहां पर कहेंगे। ठीक है, तो बेरोजगारी से रिलेटेड सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जरूरत है यहां पे कुछ क्वेश्चन करने की, तो यहां पर आपस में बातें कम और क्वेश्चन पर यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, फोकस करिए क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। चलिए यहां पर बताइए पहला, ध्यान दीजिए इधर बताइए पहला, बेरोजगारी होगा तो गरीबी बढ़ेगा क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। ये पहला आपका हो जाएगा। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। भैया रोजगार नहीं मिलेगा, खाने का जुगाड़ नहीं मिलेगा, तो हम गरीबी रेखा से नीचे क्या करेंगे, चले जाएंगे। अब यहां पर आइए दूसरे क्वेश्चन की यहां पर हम बात करें। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां पर शिक्षित बेरोजगार की बात आ रही है। ठीक है ना, चलिए जी भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत क्या है। तो अभी आपको बताएं कि केरल होगा इसका आंसर। चलिए अब यहां पर आइए तीसरे क्वेश्चन पर हम यहां पर आते हैं। निम्न में कौन सी बेरोजगारी विकसित देशों से संबंधित है। जल्दी आंसर बताएं, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। जल्दी बताएं आप। चलिए अभी हमने बताया कि विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो विकसित देशों से कौन कौन संबंधित है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब यहां पर आ गया है चौथा क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्या है जी, जल्दी बताएं आंसर दें।
अभी हमने आपको बताया, आंसर दीजिए जल्दी। चलिए अभी बताया कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आए संरचनात्मक तो तुरंत टिक कर दीजिएगा। चलिए अब यहां पर है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है बेरोजगार व्यक्ति से, गृहिणियों में बेरोजगार से, जल्दी बताएं। देखिए यहां पे ऑप्शन आप खुद देखिए बताइए, खुद देखिए बताइए यहां पर। हाँ जी ये होगा छिपी बेरोजगारी, हमने आपको बताया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। किसी कार में यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, यानी आवश्यकता से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य में लगे रहते हैं तो जो अधिक अतिरिक्त व्यक्ति हैं उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे, छिपी बेरोजगारी की श्रेणी में। चलिए आगे बढ़े, आगे यहां पर बढ़े, छठा क्वेश्चन प्रछन्न बेरोजगारी समानता अर्थ होता है। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है जी, स्ट्रक्चरल प्रछन्न, यहां प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, डिस्गाइज की चर्चा हो रही है, डिस्गाइज डिस्गाइज प्रछन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है। तो हमने बताया था कि डिस्गाइज यानी प्रछन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता क्या होती है, जीरो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो। तो ये देखिए लिखा गया सी ऑप्शन हो जाएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है ना। अब चले अब यहां पर अगला सवाल, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, सातवां, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है, ये छिपी हुई बेरोजगारी ये लक्षण क्या है जी, किस क्षेत्र का है। तो हमने बताया था क्या चीज कि कृषि क्षेत्र का, और कृषि को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, प्राइमरी सेक्टर में। चलिए अब आगे सवाल यहां पर आइए, आगे आठवां, कृषि से संबंधित प्राथमिक, कृषि से संबंधित, यहां कृषि से संबंधित का मतलब क्या हुआ, कृषि से संबंधित का मतलब यह हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र, कृषि को ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र। अब यहां पर आए, अब इसका क्या हो जाएगा, कृषि से संबंधित प्राथमिक बेरोजगारी कहां पाई जाती है जी, तो प्रछन्न बेरोजगारी जो है, प्रछन्न बेरोजगारी कृषि संबंधित है, मौसमी बेरोजगारी भी कृषि से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, ये दोनों बेरोजगारी कृषि से संबंधित है, ठीक है। अब यहां पर आ गया है नौवां सवाल, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, जल्दी बताएं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनएसएसओ, इसका एनएसएसओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल नेशनल सैंपलिंग सर्वे सर्वे ऑफिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब देखिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये पहले ऑर्गेनाइजेशन था, पहले ये ऑर्गेनाइजेशन था, अब ये ऑफिस हो गया, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और एनएसएसओ द्वारा भारत में गरीबी और बेरोजगारी दोनों को मापी जाती है। अब यहां पर लास्ट सवाल पे आए, लास्ट सवाल पर यहां पे आइए, ठीक है ना, लास्ट सवाल पर यहां पर आइए, लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी है आंसर करिए जल्दी, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देखिए लोगों की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की वृद्धि होगी तो इसे बेरोजगारी थोड़ी ही आएगी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है ना। तो ये 10 सवाल हो गया आज का, आपका 10 सवाल। अब यहां पर आज के लिए थैंक यू, ठीक है ना, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में, एकदम मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है, एकदम प्रेम से मेहनत करते रहिए, ठीक है, तब तक लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय। वेलकम, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर संतोष, संविधान एवं राजव्यवस्था पढ़ाने के क्रम में आज पुनः आपसे रूबरू हूँ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में
दुनिया के विश्व में उन किन किन देशों के संविधानों की महत्वपूर्ण बातों को समाहित किया गया है, महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। विगत दिनों में मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 60 देशों के संविधानों की बातों को हमारे देश में शामिल किया गया, हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जिनका अभी मैं वर्णन करूँगा। और बेटा आज हम लोग यह भी देखेंगे कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं और 1 से लेकर 12 अनुसूचियों में विषय क्या है, क्या क्या इन अनुसूचियों में लिखा गया है, प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन से हमने विधि का शासन लिया, शासन कानूनन होगा, विधि के अनुरूप होगा और विधि के समक्ष सबको समता का अधिकार प्राप्त होगा। जो कुछ भय विधि है, विधि सर्वोच्च है, विधि संसद और विधानमंडलों में बनेंगी और उसका संरक्षक न्यायपालिका होगी। विधि का शासन ब्रिटेन से हमने लिया, संसदीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ली। संसदीय प्रणाली, संसद की जननी ब्रिटेन है, संसद की जननी ब्रिटेन है और ब्रिटेन में ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, जिनका भारतीयकरण राज्यसभा और लोकसभा के रूप में हमने बनाया है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने किससे ली? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है। नंबर 3, ब्रिटेन से ही हमने संसद एवं विधानमंडल, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रियाओं को लिया है। संसद एवं विधानमंडल, संसद विधानमंडल कैसे कार्य करेंगी, कैसे चुनाव होगा, किस प्रकार इनका कार्य क्षेत्र अधिकार और इनकी शक्तियां क्या क्या होंगी, ये सारी बातें हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। याद रखिएगा, ब्रिटेन से 3 बिंदुओं को हमने भारतीय संविधान में शामिल किया, भारतीय संविधान सभा ने इनको शामिल किया। दूसरा USA से देखिए, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे संविधान में वे कौन कौन से विचार हैं जो शामिल हुए हैं। पहला तो USA से उद्देशिका का विचार लिया गया, उद्देशिका का विचार लिया गया। हमारी उद्देशिका किससे अभिप्रेरित है? USA से अभिप्रेरित है। मौलिक अधिकार भी हमने USA से ही लिए हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे नागरिकों को प्राप्त हैं, वे हमने कहाँ से लिए? USA से लिए। उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी USA से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं ये। इसके बाद अवशिष्ट शक्ति, ये इतनी बातें हमने कहाँ से लिया? USA से। तो ब्रिटेन और USA से महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं। ध्यान रहे आपको ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे। आगे देखिए हम लोग कनाडा से क्या लेते हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। विपरीत परिस्थितियों में हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है। जब देश पर संकट आता है तो समस्त शक्तियां, राज्यों की भी समस्त शक्तियों का अधिकारी कौन हो जाता है? संघ, केंद्र सरकार हो जाती है। और शांति काल में संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब है कि शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई हैं। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई। राज्यपाल का जो पद है यह कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। और इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई? कनाडा से ही ली गई। हमारे यहाँ बेटा अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कि जितनी भी केंद्र की शक्तियाँ अलग हैं, राज्य की शक्तियाँ अलग हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ जो बची हुई शक्तियाँ हैं वे सब अधिकांशतः केंद्र के पाले में ही है, क्योंकि हमने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया है।
ठीक है, तो कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यपाल का पद एवं अवशिष्ट शक्तियां, इतनी बातें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निदेशक तत्व लिए, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, नीति निदेशक तत्व। इसके बाद जो राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय बेटा जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अधिक गृह की कार्य बढ़िया किए हों 12 सदस्यों को मनोनीत राज्यसभा में करते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वह कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया। इसके बाद फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए यह भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन बेटा आप जानते हैं कि जो है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रणाली होती है, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है जिसमें अपनी पसंद के अनुसार जितने कैंडिडेट हैं सबको वरीयता के आधार पर जो है कि वोट दिया जाता है। तो ये आयरलैंड के संविधान से 3 बातें हो गई। ठीक, आइए और भी देखते हैं हम लोग। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र लिया है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, गणतंत्र लिया है। गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं और गणतंत्र का मतलब होता है कि वह देश जहां पर गणतंत्र होता है वहां पर जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह वंशानुगत न होकर उसका चुनाव किया जाता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति महोदय का चुनाव किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में जो किंग है उनका चुनाव नहीं किया जाता, वो वंशानुगत होते हैं। ठीक है, तो फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। रूस से क्या लिया, रूस मतलब सोवियत संघ, रूस ने एक संघ बनाया था जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, तो रूस से हमने क्या लिया, मूल कर्तव्य, हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हमारा संविधान लचीला भी है कठोर भी है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और संविधान के कुछ संशोधन ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से होते हैं, 2/3 सदस्यों की अनुमति, कुछ साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें संशोधन माना भी नहीं जाता है। तो ये जो है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध का मतलब ये होता है कि जैसे कि जी युद्ध बाह्य आक्रमण होने पर आपातकाल लगा दिया जाता है, आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल लगा दिया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ये सब आपातकाल किसको लगाया जाता है, ये सब आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से। ठीक है, तो ये जर्मनी से आपात उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है, समवर्ती सूची का मतलब ये है बेटा कि आप जानते हैं कि 3 सूचियां बनी थी, एक केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, मतलब संसद। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो संसद केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इससे अधिकांश बातें, सर्वाधिक बातें यहीं से ली गई हैं, सर्वाधिक सिद्धांत 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और इसी अधिनियम में बेटा जो है कि केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची
एवं समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वह किसकी देन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में काजे से बताया गया है, ठीक है। और समवर्ती सूची कैसी होनी चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, विस्तारित रूप में उसे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ये हो गया आपका जो है कि संविधान में हमें कौन कौन से, संविधान में जो है कि कौन कौन से वे बातें हैं जो हमने विदेशी संविधानों से ग्रहण किया है, ठीक है। अब तो इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, अभी आपको अनुसूचियों की चर्चा कर दे बेटा, अनुसूचियों के बाद फिर जो है कि इस पर कौन कौन से प्रश्न बने हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा की जाएगी। देखिए अनुसूचियाँ क्या होती है, अनुसूची का मतलब यह है कि संबंधित समान बातों को, एक समान बातों को जो है कि संविधान के लास्ट में अनुसूचियों में लिख दिया गया है। जैसे अगर आपको ये देखना है कि जितने भी संवैधानिक लोग होते हैं वो शपथ किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो कौन किस तरह शपथ लेगा वो अनुसूची में लिख दिया गया है। सबका वेतन कितना होगा लिख दिया गया है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लिख दिया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक अनुसूची, अब उस तरह से कितने राज्य केंद्र शासित कहाँ कहाँ, अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि संवैधानिक पदाधिकारियों को कितना वेतन मिलता है, तो क्या आप प्रत्येक पदाधिकारी का पन्ना पलटेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कितना मिलता है, ये जो है कि उपराष्ट्रपति कितना मिलता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना मिलता है, इस तरह से आप नहीं, बल्कि एक ही जगह पर सभी लोगों को वेतन लिख दिए गए हैं। तो संबंधित समान बातों को अनुसूचियों के रूप में एक जगह लिख दिया गया है। संविधान में कुल बेटा 8 अनुसूचियां थीं जब संविधान लागू हुआ, और लेकिन इन अनुसूचियां वर्तमान समय में बढ़ के कितनी हो गई, 12 हो गई। तो आइए प्रत्येक अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 से लेकर 12 अनुसूचियां जो है उन अनुसूचियों के विषय क्या है, क्या क्या उन अनुसूचियों में उल्लेख किया गया है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं अनुसूचियां, अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, और जो है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, मूल संविधान में 8 थीं, वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में ये बढ़ के हो गई 12, ठीक है, वर्तमान में बढ़ के 12 हो गई। आइए पहली अनुसूची में देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। पहली अनुसूची में बेटा राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र, वह प्रांतों की, वह प्रांतों का वर्णन किया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या है कि भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्यों के बारे में लिखा गया है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखा गया है। तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से लिखा गया कि हाँ भैया भारत का इतना जो है कि प्रांत है, इतना केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो संघ एवं उनके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन पूरा एक एक नाम किस में लिखा गया है, पहली अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में देखिए क्या लिखा गया है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति व राज्यों के बारे में उपबंध है, व राज्यों के बारे में, राष्ट्रपति व राज्यों के बारे में उपबंध का मतलब यह है बेटा कि इसमें जो है कि दूसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं कौन कितना वेतन पाएगा, कितना पेंशन पाएगा, कितना भत्ता पाएगा, यही सब इसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, सबके वेतन लिखे गए हैं, पेंशन कितनी मिलेगी किसकी, और भत्ता वगैरह किसको क्या मिलेगा, यही बातें इसमें लिखी गई है। तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति से लेकर के राज्यों में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सबके वेतन, पेंशन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है, दूसरी अनुसूची में किया गया है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ का मतलब ये होता है बेटा कि जो है कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तमाम जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं सब किस प्रकार शपथ लेंगे, शपथ में उनको क्या बोलना है, शपथ में क्या बोलना है, किसकी शपथ का क्या प्रारूप होगा, वह सब किस में लिखा गया है, तीसरी अनुसूची में लिखा गया है, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन,
राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस प्रदेश को राज्यसभा में, आप जानते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन होती है, उच्च सदन में किस प्रदेश को कितना स्थान आवंटित किया जाएगा यह किस में कहा गया है, किस राज्यसभा में, राज्यसभा में किस प्रदेश से कितनी सीटें जाएंगी, इसका इन सीटों का आवंटन किया गया है अनुसूची नंबर 94। तो राज्यसभा में जो स्थान है उसका आवंटन किया गया कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, पांचवी में देखिए, पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन एवं नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों वे क्षेत्र जहाँ पर जो है कि शेड्यूल्ड क्षेत्र हैं, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है उनका प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाएं उनका शासन प्रशासन हो। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिससे कि वो मुख्य धारा में लौट सकें, उनका प्रशासन शासन कैसा किया जाएगा यह जो है कि किस में कहा गया है, पाँचवीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके और डिटेल में देते हुए छठवीं अनुसूची क्या कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाएगा, जैसे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा यह किसमें है, छठवीं अनुसूची में डिटेल में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये जो सेवन सिस्टर्स हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, सेवन सिस्टर्स उनको कहा जाता है, तो इन सेवन सिस्टर्स में जो है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातियों की संख्या अधिक है, इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा यह वर्णन किया गया है अनुसूची नंबर 6 में। ठीक है, सातवीं अनुसूची में देखिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, सातवीं अनुसूची में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ये लोअर पीसीएस का बैच है और लोअर पीसीएस में जितनी डेप्थ है उतना ही जा रहे हैं बेटा। ठीक है, प्रत्येक बैच के हिसाब से टीचर डेप्थ में उतरता है, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, सिविल की बैच की डेप्थ अलग होती है, एनटीपीसी की बैच की डेप्थ अलग होती है, लोअर की डेप्थ अलग होती है, पीसीएस की डेप्थ अलग होती है, सबकी अलग अलग डेप्थ होती है, और ये चूंकि लोअर पीसीएस का बैच है उतनी ही डेप्थ प्रश्न आप देखिएगा, आने दीजिए पेपर। ठीक, बस आप ध्यान लगा के पढ़ते रहें। तो सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया कैसे, वही जो अभी मैंने आपको बताया, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय, ये लेटेस्ट पोजीशन है। तो आप जानते हैं कि शक्तियों का बंटवारा जो किया गया कि केंद्र सूची जो 97 विषय हैं वो सारे लिखे गए हैं कि वे 97 विषय कौन कौन से हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के 61 विषय लिखे गए हैं लाइन बाय लाइन कि किस पर जो है राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची के 52 विषय लिखे गए हैं। ठीक है, तो सातवीं, आठवीं में आप देखिए, आठवीं में भाषाओं का वर्णन किया गया है, आठवीं में भाषाओं का वर्णन किया गया है और इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और जो है कि आइए चलिए, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 थी जो बढ़कर 22 हो गई हैं, मूल में 14 थी और जो बढ़कर क्या हो गई, 22 हो गई। ठीक है, तो आइए उन भाषाओं को लिख लिया जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, असमिया, हिंदी, उर्दू, असमिया, बंगला, गुजराती,
कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली। ये भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं हैं जो है कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। हिंदी, उर्दू, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली। एक दो बार देख लेंगे तो लगभग याद हो जाती है। और जो बेटा आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वही जो आप दो तीन बार ध्यान से पढ़े रहेंगे तो फिर रिकॉल हो जाता है। बस अतिक कंसंट्रेट, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़िए, आप देखिए आप पुनः रिकॉल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची हो गई। 9वीं में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में बेटा जो है कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां हैं। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां हैं मान लीजिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई ऐसा निर्माण कार्य बनाना चाहती है, सार्वजनिक कार्य करना चाहती है देश से संबंधित, और फिर वो किस पर करेगी? किसी न किसी की भूमि तो होगी ना, वो तो उस भूमि को किस माध्यम से, किस नियम के अनुसार, किस रेट पर लिया जाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरह से, कैसे, क्या उसके साथ होगा, किस प्रकार उसका अधिग्रहण किया जाएगा, उसका पूरी प्रोसेस समझाई गई है। किसमें? 9वीं अनुसूची में समझाई गई है। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून जो है कि राजीव गांधी की देन थी। दल बदल कानून के मतलब आप जिस दल से चुनाव लड़ते हैं उस दल को अगर छोड़ के दूसरे दल में जाएंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ एवं अधिकार है। पंचायतों की शक्तियाँ एवं अधिकार है। 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है पंचायतों की शक्ति एवं अधिकार, जिसके लिए जो है कि 73वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये पंचायतों की शक्ति एवं अधिकार किसमें है? ये जो है कि 11वीं अनुसूची में है। 12वीं में क्या है? नगर पालिकाओं मतलब नगर निकाय, नगर जैसे कि नगरीय प्रशासन, नगर निगम, इन सब के बारे में, नगर पालिकाओं की शक्ति एवं की शक्तियां एवं अधिकार है। तो इनकी शक्तियां एवं अधिकारों की वर्णन ये भी है कि इसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया था, और जिसके अंतर्गत इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आपकी जो है कि 12 अनुसूचियाँ हो गई। इन सब से प्रश्न आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं वे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इन क्वेश्चन पर भी चर्चा कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर एक चलिए बताइए, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? व्यवस्था किस देश से संबंधित है बताइए। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? अभी मैंने बताया, जवाब दे रहे हैं। गुड, कोशिश बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। कहाँ से संबंधित है? कनाडा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन
न्यायपूर्ण बुलोकन का विचार लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है बेटा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अपने ही किसी पुराने दिए गए निर्णय पर पुनः सुनवाई करके जो है कि अगर उसे लगता है कि ये निर्णय सही नहीं रहा तो उस निर्णय को पुनर्विचार करके उसे पलट सकता है, दूसरा निर्णय दे सकता है। और ये जो है कि कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो भारत और यूएसए दो ऐसे देश हैं जहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार लिया गया किससे, यूएसए से लिया गया। ठीक है, यूएसए से लिया गया। किससे लिया गया, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर थ्री है, समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची किस देश की देन है, बताइए। अभी मैंने बताया समवर्ती सूची का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन नंबर चार, नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व लिए गए कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। गुड, शाबाश बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव, आपात उपबंध कहाँ से लिए गए, संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए। आपात उपबंध कहां से लिए गए, जर्मनी से। कहां से लिए गए, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मूल अधिकार कहां से लिया गया, मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर सेवन, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर एट, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए। तो कहां से लिए गए, सोवियत संघ अब्लिक रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देख लीजिए, एक बार बता दे बेटा, संविधान में जो मूल संविधान वो 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 450 से अधिक हो गई है। कितनी हो गई है, 450 से अधिक। कैसे ये सब, जैसे कैसे जोड़े गए, क ख ग घ, इस तरह से जो है कि तमाम अनुच्छेदों में क ख ग घ जुड़ते गए। तो ये जो जुड़ते गए इनको भी तो अनुच्छेद का अनुच्छेद ही माना जाएगा। तो इस तरह से मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान में इनकी संख्या 450 से अधिक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में कुल कितने भाग हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो देखिए, कुल तो भाग बेटा 22 ही हैं। ठीक है, लेकिन अब ये है कि तमाम संशोधन हुए और जो है कि कुल भागों की संख्या जो है कि 25 हो गई है, परंतु इन्हें 22 ही माना जाता है। ठीक है, कितने भाग हैं, तथापि ये संख्या 25 है, वर्तमान समय में 25 भाग है, परंतु माना 22 ही जाता है। यही आपका उत्तर होगा, 25 है, माना 22 ही जाता है। और इसके बाद फिर जो अगले क्वेश्चन है, आपको बता दें, अगला जितना भी क्वेश्चन है अनुसूचियों से संबंधित है, और अनुसूचियों से
प्रत्येक अनुसूची में, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है आपको सीधे बनाना बताना है, राज्यों संघ शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र की बात की गई। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, दूसरी अनुसूची में जो है कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सबके वेतन भत्ते पेंशन वगैरह सब दी गई है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ जो है कि की बातें की गई। इस तरह से प्रत्येक अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं वो आपको समझना है और इसको रटना है, चाहे कैसे भी हो कुछ भी हो, क्योंकि अनुसूचियों से प्रश्न आते हैं तो सामान्यतः बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। आप अगर गलत कर दिए बेटा तो ये मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ें, सफलता आपके चरण चूमेगी। इसी के साथ बेटा कल फिर उपस्थित होंगे, आपसे रूबरू होंगे, शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।